हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से पॉल्स कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग एकदम इजी प्लम केक बनाएंगे, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने इधर एक कप मैदा लिया है, एक कप मैदा मतलब 250 ग्राम, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अभी हम लोग इसे अच्छी तरह से छानेंगे। मैंने इधर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि बादाम, टूटी फूटी और किशमिश भी। इसके ऊपर टॉपिंग्स के लिए हम लोग थोड़ा कैश्यू नट भी ले लेंगे। अभी इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। अभी हम लोग एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम 1/4 कप शुगर डालेंगे और 1 इंच सिनेमन स्टिक डालेंगे। अभी कैरेमल बनाने के लिए हम लोग 1/2 कप शक्कर लेंगे, फिर 1/4 कप पानी डालेंगे। अभी हम लोग इसे मीडियम फ्लेम में मिक्स करते रहेंगे। अभी शक्कर मेल्ट हो गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अभी ये ब्राउन कलर होने को शुरू हो गया है, इसे हम लोग लो फ्लेम में मिक्स करते रहेंगे। अभी ये कैरमल बन चुका है। अभी हम लोग इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम लोग इसके अंदर 3 अंडा फोड़ के डालेंगे। अभी हम लोग इसके अंदर पिसेला हुआ चीनी डालेंगे। अभी हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं 1/4 कप ऑयल डाल रहा हूँ और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर मिक्स करेंगे। मेरे पास कंडेंस मिल्क था, उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग मत डालना, अगर आपके पास है तो आप लोग डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अभी हम लोग इसके अंदर कैरमल डालेंगे। आप लोग ध्यान रखना कि ये कैरमल गुनगुना गर्म होना चाहिए। ये समय में आप लोग कुकर गर्म करने के लिए रख देना और इसके अंदर हम लोग वो जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग ने मैदा के साथ डाला था उसको हम लोग ये बैटर के साथ मिक्स करेंगे। अभी हम लोग इसमें 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। उसके लिए मैंने इधर स्टील का बर्तन लिया है। अभी हम लोग ऑयल के साथ इस बाउल के अंदर ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप लोग बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर एक कुकर लिया है और मैंने इसमें 1 पैकेट नमक डाला। आप लोग इसे बाद में भी केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर मैदा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर फैला देंगे और बटर पेपर अगर होगा तो वो सबसे बेस्ट आइडिया है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर बैटर डालेंगे और टॉपिंग्स के लिए हम लोग थोड़ा सा कैश्यू नट डाल देंगे। कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने इसके अंदर एक रिंग रखा है। अभी हम लोग केक का बैटर को इसके अंदर रख देंगे। और दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग सीटी ना रखें और पहले 5 मिनट हम लोग हाई फ्लेम में रखेंगे, 30 मिनट मीडियम फ्लेम में रखेंगे, उसके बाद बाकी के 20 मिनट लो फ्लेम में रखेंगे। अभी हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये केक पक चुका है कि नहीं। अभी हम लोग एक नाइफ़ या टूथपिक लेंगे, मैंने इधर नाइफ़ लिया है। हम लोग केक के अंदर उसको मतलब डालेंगे। ये देखिए, इसमें नाइफ़ में कोई लिक्विड जैसा कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि केक बन पक चुका है। फ्लेम को अभी हम लोग ऑफ़ कर देंगे। अभी हम लोग ये केक को बाहर निकालेंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है। अभी हम लोग नाइफ़ लेकर ऐसा इसे साइड से इसे ऐसे निकालेंगे। अभी हम लोग इसे इस तरह से प्लेट में निकालेंगे।
अभी ये जो वाइट वाइट चीज़ है उसे निकालेंगे। अगर आपको निकालने नहीं हो रहा है तो आप लोग टिश्यू पेपर के साथ भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने वाइट वाइट को निकाल दिया, बस थोड़ा सा बचा है, वो ठीक है। अभी ये देखिए हमारा केक बन चुका है, हमारा स्वादिष्ट और लजीज स्पॉन्जी केक तैयार हो चुका है। ये सारे बच्चों को पसंद आएगा। अगर आपके बच्चे को प्लम केक पसंद है तो आप ये केक ज़रूर बनाना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ये देखिए कैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्जी केक है।